औरतों के लिए अलायदगी डिवोर्स पाने का तरीका खुला है। खुला के अंदर दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो अपने शोहर से कहे कि मुझे खुला दे दो, या तो हमारी मिसाल में सलमा या कोई औरत काजी के पास जाए और काजी के पास जाकर अपने शोहर की शिकायत करे कि मुझे अपने शोहर से ये प्रॉब्लम है और इस वजह से मैं उससे अलायदगी चाहती हूँ, मैं उससे अलग होना चाहती हूँ। अब काजी के पास ये इख्तियार होता है कि वो शोहर को बुलाता है और बुला करके उसके तरफ की बातें सुनता है, दोनों तरफ की बातें सुनकर वो दोनों को अलग करने का फैसला खुला के तौर पर, जिसे निकाह फस्ख भी कहते हैं, यानी कि निकाह खुद कैंसिल कर दिया जाता है, काजी ये कर सकता है। अल्लाह ताला ने उस काजी को ये राइट दिया है। क्या शोहर खुद भी खुला कर सकता है? तो हम देखते हैं सही बुखारी में उमर रदियल्लाहु अन्हु से तालिकन एक रिवायत मिलती है कि उमर रदियल्लाहु अन्हु काजी के बगैर भी शोहर खुद ही खुला दे दे, इसे जायज समझते हैं। अगर मान लीजिए शोहर आने तैयार नहीं है तो वो काजी शोहर को बुलाने की कोशिश करेगा, हो सकता है उसे नोटिसेस भेजेगा, लेटर्स भेजेगा। अगर काफी कोशिशों के बाद भी शोहर ना आए तो वो काजी खुद भी फैसला कर सकता है। खुला के मुतालिक लेकिन एक बहुत अहम बात, इस्लाम ने मेहर का सिस्टम सिखाया है। जब शादी होती है तो शोहर बीवी को मेहर देता है। अब आप सोचिए अगर इस्लामिक सिस्टम ऑफ मैरिज चले तो मेहर ज्यादा होने के इम्कान होते हैं। अब कोई औरत अगर मेहर ले, उसके बाद बोले मुझे खुला चाहिए, शोहर को छोड़ दिया, मेहर भी उसके पास हो, फिर किसी और से शादी करे, वहां से भी मेहर ले ले, तो हम देखते हैं वो शोहर के ऊपर एक तरह से जुल्म होगा। तो इस्लाम में खुला में ये सिस्टम है कि अगर कोई औरत कहती है कि मैं खुला चाहती हूँ तो काजी उसे ये सवाल पहला पूछता है कि क्या तुम मेहर की रकम वापस देने तैयार हो। अब मान लीजिए मेहर के अंदर शोहर ने सोना दिया था या बहुत सारी चीजें दी थी, तो क्या वो बीवी उस चीज को वापस देने तैयार है? सही बुखारी में हदीस है, साबित बिन कैस रदियल्लाहु अन्हु की बीवी अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आकर के उन्होंने कहा कि मैं साबित के दीन या अखलाक में कोई ऐब नहीं जानती, लेकिन मैं उनके साथ सही तरह से नहीं रह पाती, इसी वजह से मैं अलग होना चाहती हूँ। तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि साबित ने जो बाग तुम्हें मेहर में दिया था, क्या वो बाग वापस देने तैयार हो? तो उन्होंने कहा हाँ। तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित रदियल्लाहु अन्हु को अपनी बीवी को खुला देने का हुक्म दिया। इस बारे में कुरान की आयत सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 229 है, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ, अगर तुम्हें डर है कि ये दोनों अल्लाह की हदें कायम नहीं कर पाएंगे तो कोई गुनाह नहीं है कि वो औरत अपनी रिहाई पाने के लिए कुछ दे दे। तो इस मामले में इमरान दो गवाहों की मौजूदगी में अपनी बीवी से कहेगा कि मैं तुम्हें खुला देता हूँ। खुला की इद्दत कितनी है? खुला की इद्दत एक हैज आने तक है। क्या खुला के बाद दोनों साथ में रहेंगे? तो नहीं, खुला के बाद दोनों साथ में नहीं रहते। क्या खुला के बाद रुजू है? क्या इमरान अगर खुला देने के बाद चाहता है कि अपनी बीवी को वापस ले ले तो क्या ले सकता है? हम देखते हैं खुला एक ऐसा तीर है जो निकल गया तो वापस नहीं आता, यानी कि खुला अगर हो गया उसके बाद रुजू नहीं होता। अगर खुला के बाद दोनों को साथ में आना है तो एक नया निकाह करना होगा जिसमें फिर से इमरान अपनी बीवी को प्रपोजल भेजेगा, वो उस प्रपोजल को कबूल करेगी, वली की इजाजत होगी, दो गवाहों के बाद फिर से एक नए मेहर के साथ एक नया निकाह करके दोनों फिर से साथ में आ सकते हैं। आइए क्विकली देख लेते हैं तलाक और खुला में क्या फर्क है। तलाक में रुजू यानी बीवी को वापस लेने का इम्कान है, पॉसिबिलिटी है, 3 महीने का वक्त है अगर पहला या दूसरा तलाक है तो। खुला में कोई रुजू नहीं है। तलाक हैज के वक्त पर नहीं दिया जा सकता, खुला किसी भी वक्त दिया जा सकता है। तलाक देने वाला शौहर है, खुला में शुरुआत बीवी की तरफ से होती है, शौहर या तो उसकी बात को मान ले या काजी के जरिए खुला नाफिज किया जाए। तलाक के अंदर इद्दत 3 हैज की है, खुला के अंदर इद्दत 1 हैज 1 महीने आने तक है। तलाक के अंदर बीवी मेहर वापस नहीं देगी, वो मेहर उसका है, मेहर हो हदीये हो कुछ भी वापस नहीं देगी, खुला के अंदर बीवी मेहर वापस दे देगी। लेकिन अगर शौहर कहे नहीं चाहिए मुझे, रखो आप ही, तो कोई बात नहीं। लेकिन अहम सवाल, क्या तलाक के अंदर जो 3 की लिमिट है वो 3 की लिमिट के अंदर खुला भी शामिल होगा या नहीं होगा?
آپ اگر سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 229 اور 230 کی تفسیر دیکھیں تو وہ تفسیر سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ خلا ایک الگ ہی چیز ہے، طلاق اور خلا میں بہت سارے فرق ہے جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، اور خلا طلاق کی 3 کی کاؤنٹنگ میں نہیں آتا ہے، یعنی کہ طلاق سے ٹوٹلی الگ ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔